गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रेंड्स वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल फाइंड जॉब एटीयू। दोस्तों आज मैं आपके लिए मिश्र धातु याद करने की एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक लेके आया हूँ, तो चलिए हम देखते हैं। पहली मिश्र धातु है पीतल धातु। इसको याद करेंगे पीछे पीतल पीछे पिताजी, यानी कि पीछे पीतल और पीछे पिताजी। पी पीछे पीतल हो जाएगा ता, ता से तांबा और तांबे का प्रतीक चिन्ह है कॉपर। और जी जैसे जस्ता और जस्ते का प्रतीक चिन्ह है जेड एन जिंक। पीतल धातु में कॉपर 70% और जस्ता 30% पाया जाता है। अगली मिश्र धातु है डच धातु। डच धातु है ये पीतल धातु की ही उपधातु है, अतः इसे भी हम पिताजी से ही याद करेंगे। इसमें तांबा 80% और जस्ता 20% पाया जाता है। इसके बाद आती है अगली मिश्र धातु गन मेटल। गन मेटल को याद कैसे करेंगे? गन मेटल होता क्या है? गन मेटल होता है बंदूक की गोली। तो दोस्तों ये तो सुना ही होगा कि बंदूक की नोक पे चाय भी ताज़ा लगती है, यानी टी भी कैसी लगती है? ताज़ा लगती है बंदूक की नोक पे। तो गन मेटल ताज़ा टी, गन मेटल को ताज़ा टी से याद करेंगे। ता से तांबा, जैसे जस्ता और टी से टिन। टिन का प्रतीक चिन्ह है SN। इसमें तांबा होता 90%, जस्ता 2% और टिन 8% होता है। अगली मिश्र धातु है जर्मन सिल्वर या होरन सिल्वर। देखो एक चीज़ बताता हूँ, जर्मन सिल्वर में सिल्वर की मात्रा 0% होती है, तो इसको याद करेंगे जैसे जर्मन सिल्वर और जैसे जनीता, यानी जैसे जर्मन सिल्वर और जैसे जनीता। तो जैसे जस्ता, जस्ते का प्रतीक चिन्ह है जेड एन जिंक, जस्ते को जिंक भी कहते हैं। नैसे निकल और निकल का प्रतीक चिन्ह है NI। और तासे तांबा, तांबे को कॉपर सीयू कहते हैं। इसमें जिंक की मात्रा 20%, निकल 20% और कॉपर 60% पाया जाता है। अगली मिश्र धातु है रांगा फ्यूजतार या शोल्डर टांका। तो दोस्तों इसको एक बहुत ही फनी ट्रिक से याद करेंगे। कैसे? एक लड़के ने लड़की को सीटी मारी और उस लड़की ने लड़के को इतना रंगा कि उसके सारे ही फ्यूज उड़ा दिए। तो फ्यूज तार को सीटी से याद करेंगे। फ्यूज तार को सीटी से, शीशे शीशा, शीशा को लाइट भी कहते हैं और इसका प्रतीक चिन्ह है PB। और टी से टिन, टिन का प्रतीक चिन्ह है SN। इसमें शीशे की मात्रा 67% होती है और टिन SN की मात्रा 33% होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन अब की बार LDC 2018 में भी पूछा गया था। इसके बाद अगली मिश्र धातु है कृत्रिम सोना। कृत्रिम सोना को याद करेंगे एक ता से। कृत्रिम सोना एक ता, ऐसे एल्यूमिनियम कैसे कृत्रिम सोना हो ही जाएगा, और ता से तांबा। एल्यूमिनियम प्रतीक चिन्ह है AL और तांबे का कॉपर। इसमें एल्यूमिनियम की मात्रा 10% और कॉपर की मात्रा 90% होती है। अगली मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। दोस्तों स्टेनलेस स्टील में स्टील की मात्रा 0% होती है। तो अब स्टेनलेस स्टील को कैसे याद करें? तो एक चीज़ देखिए, जो टेंशन लेस व्यक्ति होता है उसे कितना ही कह दो भाई और काम करेगा कि, तो कुछ कहेगा, कुछ नहीं बोलेगा या मना ही करेगा। यानी टेंशन लेस व्यक्ति फ्री होता है। तो स्टेनलेस स्टील को और काम करोगे से याद रखेंगे। और से आयरन, आयरन का प्रतीक चिन्ह है FE। का से कार्बन, मैं से मैगनीज और करोगे से क्रोमियम, क्रोमियम का प्रतीक चिन्ह है CR। और इसमें कुछ मात्रा में निकेल भी होता है। इसके बाद अगली मिश्र धातु है नाइक्रोम। नाइक्रोम को कैसे याद रखेंगे कि जो टेंशन लेस व्यक्ति होता है वो काम के लिए क्या कहता है? नाइक करूँ भाई, काम करेगा कि नाइक करूँ, क्योंकि उसके कोई फिक्र तो होती नहीं है। तो नाइक्रोम कोई फिक्र नहीं, नाइक्रोम को याद रखेंगे कोई फिक्र नहीं। कोई से क्रोमियम, क्रोमियम प्रतीक चिन्ह है CR। फिक्र यानी FE और FE आयरन होता है। नहीं से निकल और निकल का प्रतीक चिन्ह है NI। इसमें क्रोमियम की मात्रा 13%, FE आयरन की मात्रा 24% होती है और निकल 62% होता है।
और इसमें 1% मैग्नीज धातु पाई जाती है। मैग्नीज का प्रतीक चिन्ह Mn। इसके बाद अगला मिश्रण है बारूद। यह एक विस्फोटक पदार्थ होता है। देखो बारूद कैसे याद रखेंगे, आपको पता ही होगा बारूद से और बम धमाकों से वर्ल्ड में रोज़ 450 लोग तो मरी जाते हैं। कितने? रोज़ 450, यानी बारूद को रोज़ 450 से याद रखेंगे। रोज से रोजर बैकन जो इसके खोज करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आ चुका है कि बारूद को किसने खोजा, रोजर बेकन ने। पोसे पोटेशियम और पोटेशियम का प्रतीक चिन्ह है के। नैसे नाइट्रेट और नाइट्रेट को NO3 से व्यक्त करेंगे। चारकोल ये कोक होता है जो पेट्रोलियम पदार्थों से निकाला जाता है। सैसे सल्फर और इसका प्रतीक चिन्ह होता है एस। इसके बाद अगली मिश्र धातु है कांसा या ब्रोंज या बैल मेटल। बैल मेटल क्या होता है? जिसकी घंटियाँ बनी होती है। पहले कांसे के बर्तन भी चलते थे, तो कांसे को याद कैसे रखेंगे कि कोई ज़्यादा 3-2-5 करता है तो उसके ऐसा कसके थप्पड़ मार दो कि उसको अच्छे तान आ जाए, यानी कसके थप्पड़ लगा दो कि तान आ जाए। कसके से कांसा, यानी कांसे को तान से याद रखेंगे। तां से ताबा और न से टिन। तांबे का प्रतीक चिन्ह कॉपर होता है और टिन का SN। कांसे में कॉपर 90% और टिन 10% पाया जाता है। अगली मिश्र धातु है टाइप मेटल या मुद्रण धातु जिसके सिक्के बने होते हैं। इसको याद कैसे रखेंगे? ATC से। टाइप मेटल को याद करेंगे ATC से। ए से एंटीमनी। एंटीमनी का प्रतीक चिन्ह होता है SB। टी से टिन यानी SN और सी से सीसा। शीशे यानी लेड और शीशे को PB से व्यक्त करते हैं। इसमें SB एंटीमनी की मात्रा 82%, SN टिन 15% और PB लेड 3% पाया जाता है। इसके बाद अगली मिश्र धातु है जंगरोधी इस्पात। तो इसको याद कैसे करेंगे? आपने फ्यूज तार में पढ़ा होगा कि एक बॉय ने लड़की को सीटी मारी और लड़की ने क्या किया, लड़के के कस के चाटा लगा दिया। तो उस बेचारे ने अब बदला लेने के लिए क्या किया, अगले दिन एक बंदूक लेके आया और बंदूक ऐसी जंग लगी हुई पुरानी बंदूक। तो लड़की ने लड़के को देख के क्या कहा, ओहो ये लो ये काला कुआ निकला। यानी लड़की लड़के पे हंसी, बंदूक देख के हंसने लगी, ये लो काला कौवा निकला। तो जंगरोधी इस्पात को लो काला कौवा निकला। लो से लोहा, लोहे का प्रतीक चिन्ह Fe। कासे काला, कासे कार्बन और कार्बन को शीशे व्यक्त करते हैं। को से क्रोमियम और इसका प्रतीक चिन्ह Cr और निकला निकल, निकल को Ni से व्यक्त करेंगे। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।